हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फैन मैं क्लीन कर रही थी और कितना सारा मैल मेरे ऊपर गिर पड़ा। तो यहाँ पर मैं आज तो बेडशीट चेंज करूँगी। तो यह यहाँ पर बेड के ऊपर मेरा बेटा जो भी चाहता है, उसका मन में जो भी आता है वही रख देता है। तो पहले मैं ये सब यहाँ से हटा दूँगी बिस्तर से, और फिर मैं बिस्तर के चादर को चेंज कर दूंगी। 3 दिन 4 दिन आगे ही मैं बिस्तर का बेडशीट चेंज किया था, लेकिन मेरा बेटा इतना गंदा करता है, क्या बोलूँ। बिस्तर के ऊपर ही सब कुछ उसका रात चलता है। पेन के ढक्कन, पेपर के टुकड़े, चिप्स का टुकड़ा, जो भी खाता पीता है सब कुछ बिस्तर के ऊपर। बिस्तर से नहीं उतरता वो, हमेशा ही बिस्तर के ऊपर बैठ के, और वो गेम तो चालू ही है उसका, गेम भी खेलता है। तो बैल्कनी में भी नहीं जाके बैठता। इतना बोलती हूँ कि बैल्कनी में जाके बैठो, वहाँ से वहाँ पर खेलो, लेकिन नहीं, वो उसका सब कुछ ये बेड के ऊपर ही है। तो इसीलिए 2 दिन बाद इतना गंदा हो जाता है बेड, तो इसलिए मुझे चेंज भी करना पड़ता है, वॉश भी करना पड़ता है। और हमेशा दिन में तो 2-3 बार मैं रूम को क्लीन करती हूँ झाड़ू लगा के, क्योंकि मेरा तो फ्रंट साइड में मेरा फ्लैट है, इसीलिए धूल भी बहुत यहाँ पर आता है। धूल मेरे यहाँ पर बैल्कनी में, मेरा रूम में भर जाता है, इसीलिए डेली 2-3 बार मुझे झाड़ू लगाना भी पड़ता है। देखो क्या मिला मुझे, फिंगर टिप्स मेरे बेटे का। वो जो बेड के ऊपर बैठ के गेम खेलता है, फिंगर टिप्स यूज़ करता है, तो बेड के नीचे गिरा देता है। बेड के नीचे ऊपर सब कुछ ढूंढने से मिल जाएगा, चिप्स का टुकड़ा, बिस्कुट का पैकेट, सब कुछ बेड के ऊपर और नीचे में इतना गंदा करता है। तो अभी तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद मैं बाकी काम भी कर लूँगी, किचन का कुछ काम है। कितना धूल देखो। मेरी हालत देखो, पूरा
पसीना से नहा चुकी हूँ मैं तो पानी पानी हो गई पसीना से। देखो इतना गर्मी है, बाप रे बाप। ओफ, और क्या करें, गर्मी का टाइम, गर्मी तो होगा ना। तो चलो टाटा बाय बाय।